सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका अराइवल 18 पी की एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू हॉलैंड 3630 TX सुपर प्लस का रिव्यू। यह ट्रैक्टर न्यू हॉलैंड का एक मोस्ट सेलिंग ट्रैक्टर है, जो आता है 50 HP में। 50 HP सेगमेंट में जो किसान न्यू हॉलैंड का ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं, न्यू हॉलैंड 3630 TX सुपर प्लस उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आप न्यू हॉलैंड 3630 TX सुपर प्लस ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इस ट्रैक्टर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ऑन रोड प्राइस तथा इसकी अच्छाइयाँ व कमियों के बारे में भी बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले अगर हम इसके ओवरऑल व्यू की बात करें तो यह आता है न्यू हॉलैंड की क्लासिक लुक्स के साथ, जिसके बोनट के ऊपर आपको न्यू हॉलैंड 3630 TX सुपर प्लस की ब्रांडिंग व सिल्वर क्रोम फिनिश में सुपर लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ बोनट के ऊपर ही 12+3 UG गियर बॉक्स व 50 HP को भी मेंशन किया गया है। ट्रैक्टर के सामने की तरफ न्यू हॉलैंड का लोगो, साइड माउंटेड चकोर हेलोजन हेडलैम्प्स व एयर सर्कुलेशन के लिए काफ़ी बड़ी व स्टाइलिश ग्रिल दी गई है, जिसके नीचे की साइड आपको फ्रंट वेट व बम्पर भी कंपनी फिटेड ही मिलता है। इसी के साथ ट्रैक्टर में दिया गया है एडजस्टेबल हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मिलता है इवेको का 2931 cc DI नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर वाटर कूलर डीजल इंजन, जो 2300 रेटेड RPM पर 50 HP की ताकत देता है। कंपनी द्वारा इस ट्रैक्टर के टॉर्क के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार इसका टॉर्क लगभग 200 Nm के आसपास का हो सकता है। ट्रैक्टर में दिया गया है माइको बोश का 3 सिलेंडर इनलाइन फ्यूल पंप, जो आता है 2 डीजल फिल्टर के साथ। इसी के साथ इसमें आपको मिलता है 3-स्टेज ऑयल बाथ एयर क्लीनर, जिसके नीचे की साइड आपको बैटरी की पोजीशन व पीछे की साइड काफ़ी बड़ा रेजिस्टर दिया जाता है, कूलेंट कूल्ड विथ ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ। अगर इसके पावर स्टेयरिंग की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग, जिसका स्टेयरिंग रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। इसके पावर स्टेयरिंग की ऑयल को ठंडा करने के लिए रेजिस्टर के सामने की तरफ आपको एक छोटा सा इंटरकूलर दिया जाता है, जिससे इसके पावर स्टेयरिंग की लाइफ में इजाफा होता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। ट्रैक्टर के राइट साइड में आपको लिफ्ट व पावर स्टेयरिंग के लिए डबल पंप, ऑयल फिल्टर, वाटर सेपरेटर व टूल बॉक्स दिया गया है। इसके प्लेटफॉर्म में आपको काफ़ी बड़ा पंप देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी ड्राइवर सीट की एडजस्टमेंट बहुत ही अच्छी दी गई है। अगर इसके ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है डबल क्लच, मतलब PTO के लिए अलग से क्लच लीवर। इसी के साथ इसमें दिया गया है पार्शल सिंक्रोमैस गियर बॉक्स, जो कि कॉन्स्टेंट मैस व सिंक्रोमैस के कॉम्बिनेशन वाला गियर बॉक्स होता है, जिससे इसमें गियर शिफ्ट करने में बहुत ही आसानी रहती है। यह ट्रैक्टर आता है UG गियर बॉक्स में, जिससे इसमें आपको 12 फॉरवर्ड + 3 रिवर्स स्पीड मिलती हैं। इसमें दिया गया है 60 लीटर का फाइबर का बड़ा फ्यूल टैंक, जो ट्रैक्टर में बार बार डीजल भरने की झंझट को ख़त्म करता है, और फाइबर का फ्यूल टैंक होने की वजह से इसमें जंग लगने का खतरा भी नहीं रहता। डैशबोर्ड की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है डिजिटल विथ एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें आपको काफ़ी इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। इसका स्टेयरिंग व्हील भी बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है। स्टेयरिंग लीवर के नीचे की साइड ही आपको टर्न इंडिकेटर के स्विच, हजार लैंप बटन, हैंड रेस्ट की पोजीशन दी गई है। इसी के थोड़ा और नीचे देखने पर आपको हेडलैम्प स्विच, 12V का चार्जिंग पॉइंट, हॉर्न स्विच व इंजन स्टॉपर देखने को मिलेगा। ब्रेक्स की बात की जाए तो इसमें आपको मिलते हैं ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक पुश टाइप पैडल के साथ। अगर इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है ऑटोमेटिक डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाली 2000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी, 3 पॉइंट लिंकेज
व ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल लीवर प्लस लिफ्टोमेटिक बटन के साथ। इसके अलावा इसकी लिफ्ट में 24 सेंसिंग पॉइंट भी दिए जाते हैं, जो इसकी लिफ्ट सेंसिंग को और भी बेहतर बनाते हैं। वैसे तो इस ट्रैक्टर में 1700 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी दी जाती है, लेकिन इसमें कंपनी द्वारा एक एडिशनल हाइड्रोलिक जैक भी दिया जाता है, जिससे इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 2000 से 2200 किलोग्राम के आसपास की हो जाती है। ड्राफ्ट एंड पोजीशन कंट्रोल लीवर के नीचे की साइड ही आपको पार्किंग ब्रेक की पोजीशन दी गई है। ट्रैक्टर में आपको 7/50/16 के फ्रंट टायर व रियर टायर 14/9/28 व 16/9/28 के ऑप्शन के साथ मिलते हैं। अगर इसकी बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो इसमें आपको मिलता है हब रिडक्शन के साथ रियर एक्सल। इसी के साथ पीछे की ही साइड आपको वाटर बॉटल होल्डर, रिफ्लेक्टर, टॉप लिंक, पावर शॉकेट व दो डिस्ट्रीब्यूटर वॉल दिए गए हैं, जिनका लीवर ड्राइवर शीट के पास देखने को मिलता है। इसी के साथ ट्रैक्टर के मडगार्डों के पीछे की साइड आपको दो हेलोजन टेल लैंप्स व एक बड़ी बैकलाइट दी गई है, जिससे रात के समय में किसान को खेती का कार्य करने में आसानी रहती है। इसकी लोअर लिंकेज भी काफ़ी हैवी ड्यूटी दी गई हैं। अगर इसकी पीटीओ पावर की बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है 46 HP की पीटीओ पावर, 540 लाइव GS PTO व रिवर्स PTO स्पीड के साथ। अगर इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसमें आपको मिलती है 182.4 ग्राम की SFC। SFC किसी भी ट्रैक्टर की फ्यूल खपत को दर्शाती है। इस ट्रैक्टर में आपको कंपनी फिटेड कैनोपी का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इसमें कंपनी फिटेड कैनोपी भी ले सकते हैं। हमने इस ट्रैक्टर की बहुत सी विशेषताओं की बात की, अब इसकी कुछ कमियों के बारे में भी बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक दमदार व भरोसेमंद ट्रैक्टर है, लेकिन इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण कमियां हैं, जिन्हें कंपनी को समय के साथ दूर करना चाहिए था। इनमें सबसे पहली कमी है इसका प्लेटफॉर्म, जिसमें आपको काफी बड़ा बंप देखने को मिलता है, और इसके पायदान भी बहुत ही छोटे दिए गए हैं, जिससे ड्राइवर सीट पर बैठने पर अनकंफर्टेबल फील होता है। इसके पायदानों को कंपनी को थोड़ा बड़ा करना चाहिए था। इसकी दूसरी कमी है इसका बोनेट, क्योंकि यह सिंगल पीस बोनेट में नहीं आता है। इस ट्रैक्टर के बोनेट को इसी लुक में सिंगल पीस में करना चाहिए। इन दो कमियों के अलावा इस ट्रैक्टर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर आपको इस ट्रैक्टर में कोई और कमी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 3630 TX सुपर प्लस में मिलती है 6 साल 6000 घंटे की वारंटी। अंत में अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात की जाए तो यह मिलता है आपको 850,000 रुपये में। कीमत जगह व मॉडल के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। यह कीमत जिला अनूपगढ़ राजस्थान की है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताजो आपको हमारी ऐसी ही ट्रैक्टर से जुड़ी वीडियो मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।